एज यू कैन सी कि अब आज हमारे साथ आए हैं मंजरी, जो पूरे के पूरे ब्राइडल लुक में है। ये जो वीडियो है हम लोग ने बनाया है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। मुझे हजारों फोन कॉल्स आते हैं ये कहते हुए कि यार हम मेकअप आर्टिस्ट है, हमें हमारा जो हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं वो हमें करना नहीं आता है। एट द सेम टाइम जो भी फोटोग्राफर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको निराश नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करने वाले हैं अपने कैमरा से भी कि एक रिंग लाइट से कैसे आप इंटरेस्टिंग फोटोज ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन या कैमरा से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी जो है हम लोग इनका फोटोग्राफी शूट चालू करेंगे। चालू करने से पहले इनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस हिसाब से इसका मेकअप किया है और किस हिसाब से हम जो है इसको शूट करेंगे। हाय हाय। सो हमारे साथ प्राची है जिन्होंने इनका इतना सुंदर मेकअप और स्टाइलिंग किया है। सो प्राची हमें ये बताइए, जब भी आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट कहीं पर जाते हो सबसे बड़ा इशू क्या होता है फोटोग्राफ्स खींचते वक्त? सो बेसिकली ये चीज़ होता है कि हमें जैसे एंगल में पिक्चर्स मिलते हैं वैसे मिलते ही नहीं है और उन लोग शेयर भी नहीं करते हैं। फोटोग्राफर्स प्लीज समझिए, मेकअप आर्टिस्ट को फोटोज शेयर कर दो। डोंट गिव टाइम कि हम लोग भी फोटोज निकाल सके, दे लाइक हमें निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालना है। तो इनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, पर मैं आज आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिससे ये सुंदर ब्राइड आपके कैमरा में और भी सुंदर दिखेगी। ओके राइट, यू हैप्पी? ओके। सो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी टूल यूज करेंगे, वो है एक रिंग लाइट। अभी हम लोग यहाँ पे रिंग लाइट लेंगे, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट रिंग लाइट्स यूज करते हैं। सो उसके साथ हम लोग इसकी फोटोग्राफी करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है गोडोक्स का LR150, ये एक रिंग लाइट है, ठीक है। और ये जो रिंग लाइट है ये सर्क्यूलर फॉर्मेट में इसलिए है ताकि इनका जो मेकअप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा दिखे, ठीक है। और अभी हम लोग इस लाइट के थ्रू बहुत सारे इंटरेस्टिंग पिक्चर्स खींचने वाले हैं, तो आपको ये लेना पड़ेगा पहला टर्म, ठीक है, आपका पूरा मेकअप अच्छे से दिखेगा। सो यहाँ पे अभी आप जो है यहाँ पे ब्राइड खड़े हैं, ठीक है, ब्राइड के एग्जैक्टली सामने आपको ये लाइट को रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने जो है हमारा ये लाइट रखा है, ये लाइट के ऊपर फ़ोन के लिए एक स्टैंड भी है जिसके आप बिफोर और आफ्टर कैप्चर कर सकते हो। अभी जो है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर बिठाना है, जितना बैकग्राउंड डार्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट। ये जो लाइट है इसको आप ऐसे और ऐसे कर सकते हो। सो इनके चेहरे के एग्जैक्टली ऊपर हम लोग इस लाइट को रखेंगे, दूसरी सारी लाइट्स ऑफ करेंगे इसका इफेक्ट दिखने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग ने ये लाइट ऑन की है और हमारा ये अंधेरा कम किया है। जैसे ही आप ये लाइट ऑन करते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये वार्म टोन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा येलोइश होता है, तो स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा करोगे इतना वाइट कर देते हैं काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट, जिसकी वजह से सारे फोटोज़ एकदम ही वाइट ब्लूइश आते हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। यहाँ से आपको जो है वार्म इतना नहीं जाना और कूल इतना नहीं जाना, जिसमें आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑरेंज दिखे, बस इतना रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में लेने के बाद इसकी लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम नहीं रखनी और इतनी भी नहीं बढ़ानी। एक बार सेट करने के बाद जो भी है आपके आपके फ़ोन में सेट करना है। आप थोड़ा सा ऐसे करो, ऊपर देखिए, थोड़ा सा और ऊपर। अगर आप देखोगे तो एकदम सामने देखिए, अगर आप देखोगे इनके चेहरे के ऊपर जो उनकी आँखें उसमें रिंग लाइट आ रही है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो अभी आप देख रहे हो कि हम लोग किस तरह के पोजेज इनको दे रहे हैं, थोड़ा ऐसे करिए, ठीक है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी ज्वेलरी, उनका ये लिप्स, और ये तो मॉडल है, इनको थोड़ा बहुत आता रहता है। अगर आप डॉक्टर ब्राइड लोगे उनको तो कुछ भी नहीं पता होता, तो आपको उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देना है कि सपोज़ कि आपका हाथ ऐसे रखिए, थोड़ा सा सेंटर में फेस करिए, स्लाइटली ऊपर। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको ये देखना है कि आपका कंप्लीट मेकअप यहाँ से लेके वहाँ तक दिखे, तो ये जो लाइट है चाहो तो थोड़ा सा अंदर या बाहर करिए, पर पूरा का पूरा लाइट हर जगह पे पहुँचना चाहिए, तब जाके क्लियरली पता चलेगा कि आपने क्या मेकअप किया है। आइज़ क्लोज कीजिए, देखो मैं क्या करवा रही हूँ, थोड़ा सा उनका साइड लुक भी दिखाना है, तो उसे उस तरफ लेफ्ट प्रोफाइल, थोड़ा सा आइज़ ऊपर वहाँ पे। अगर उन्होंने गजरे पहने हैं तो ऐसे थोड़ा सा वो वाला हाथ वहाँ पे, ऐसे आपको थोड़ा सा पोजेस करवाना है उनके पास। ये राइट प्रोफाइल दिखाया, अभी राइट प्रोफाइल सामने हम जो है जो आपकी ज्वेलरी है उसके साथ आपको कुछ करना है, जैसे कि आपने इयररिंग के साथ कुछ किया, यू नो नथनी के साथ कुछ किया,
अपना ये सेट के साथ कुछ किया, यू नो ऐसे, तो अलग अलग जो आपका जो चूड़ा है, चूड़ा का आपने यू नो काउंट किया, ऐसे करके जो है अलग अलग पोजेज उनको देने हैं ताकि थोड़ा सा वैरायटी दिखे. यस नाइस ब्यूटीफुल. वहाँ पे देख, और क्लोजअप लुक्स लेना ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब क्लोजअप रहता है तो मेकअप प्रॉपरली और पूरा बहुत अच्छा सा दिखेगा. यूजुअली क्या होता है लोग ना मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स भी आड़ा फोटो लेते हैं, मतलब इतना सारा उनका चीक बोन दिखा देते हैं कि उसके साइड का कुछ दिख ही नहीं रहा है. ऐसा नहीं करना है, ज़्यादातर फेस सेंटर में रखना है. थोड़ा सा ये शोल्डर नीचे कर, हाँ मेरे सामने, वाह परफेक्ट. मैंने क्लोजअप शॉट लिया नथनी के. देखो मैंने उनका जो चूड़ा है अभी मैं वो दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा हाथ ऐसे जाने देते, लाइट को उनको ब्लॉक नहीं करना है. काफ़ी बार ये लोग मिस्टेक कर देते हैं कि ऐसे हाथ आगे कर लेते हैं कि लाइट ही ब्लॉक हो जाता है. थोड़ा सा ऐसे हाथ, ये हाथ वहाँ पे, थोड़ा सा हाथ नीचे, ज़्यादा वाइड नहीं लेना, क्लोजअप लेना है कि उनका चूड़ा दिखे और वो दिखे. ये वाला हाथ है ना थोड़ा सा ऐसे करिए, हाँ उस तरफ, उस तरफ, हाँ, और वो वाला भी थोड़ा वैसे. ऐसे कुछ पोजेस माइंड में कॉन्टिन्यूसली होने चाहिए मेकअप आर्टिस्ट को भी और फोटोग्राफर को भी. नीचे देखिए नीचे. अभी जो है हम इसके आगे जाएंगे और उनकी जो हेयर स्टाइल है उसको दिखाएंगे. को एज अ आई मेकअप का भी क्लोजअप होना चाहिए. एकदम क्लोजअप लिया है मैंने. अभी जो है इनका हेयर का लेंगे. टर्न हो जाइए पीछे, दोनों हाथों को ऐसे पीछे हाथ रखिए ताकि हेयर स्टाइल थोड़ा सा इवेल्यूएट हो. उस तरफ थोड़ा चेहरा एकदम सेंटर सामने देखिए, फेस थोड़ा नीचे करिए. जो एक इंटरेस्टिंग बन जो इन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो रहा है. अभी आपको इसी लाइट से थोड़े से और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स लेने के लिए ये वाली जो लाइट है आपको यहाँ पर लेनी है. देखो कैसे लेनी है, एकदम वहाँ पर नहीं लेनी है, एकदम यहाँ पर नहीं लेनी है. थोड़ी सी लाइट को ऐसे रखनी है, इसका जो है इसको ऊपर लेके आना है. इसकी इंटेंसिटी थोड़ा हम बढ़ाएंगे. यस अभी जो है थोड़ा साइड पोर्ट्रेट्स होंगे, थोड़ा सा उनका दूसरा लुक भी. अभी बहुत सारे क्लोजअप हो गए, अब जो है थोड़ा सा उनका थ्री फोर्थ लुक तक हम लोग जाएंगे. अभी आपको ये वाला जो आपका हाथ है वो आपकी चूड़ियों के ऊपर रखना है. ये वाला हाथ ऐसे क्रॉस में नीचे. यस नाइस. अपर बॉडी को ऐसा शिफ्ट करो नीचे, ऐसे ना उनका कर्व दिखना चाहिए. ये भी आप में सेंस होनी चाहिए, कर्व दिखे. थोड़ा सा ऐसे बॉडी आगे, अपर बॉडी ऊपर, वहाँ पे लाइट के सामने देखिए. नाइस मेरे सामने. देखो मैं सेंटर में खड़ी हूँ, लाइट सामने से दी है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे फोटोज आ रहे हैं. स्माइल. सो अभी हमारे पास यहाँ पे जो कपड़ा हमने रखा था ये बहुत ही रीजनेबल और सस्ता अच्छा कपड़ा था. आप कोई भी डार्क बैकग्राउंड सिलेक्ट करिए. और क्योंकि डार्क बैकग्राउंड, क्योंकि इनका जो कलर है, ये ज्वेलरी है, इनका चेहरा है, कपड़ा है, वो एकदम उभर के बाहर आना चाहिए. और जो ब्लैक का मज़ा है, जो एक ग्लो है, वो इसमें आएगा. जो आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट चाहिए वो यहाँ पर सारा आएगा. एज अ फोटोग्राफर भी, एज अ ब्राइडल का जो पूरा लुक हमको बाहर निकालना होता है वो इसमें आता है. तो आपको डार्क बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है. जो लाइट आप सिलेक्ट कर रहे हो ये लाइट बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल लाइट है. आराम से, मतलब आप एक लिपस्टिक लेते हो ना उतने की ये लाइट है. तो कहने का ये है कि एकदम ही रीजनेबल लाइट है जो आपको यहाँ पे रखनी चाहिए. फोटोग्राफर्स को अगर रिंग लाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है. रिंग लाइट नहीं है अगर आपके पास तो आपको कोई भी जो LED लाइट हमारे पास रहती है उसको यहाँ पे रखना है. पर रिंग लाइट में जो मज़ा है, जो सर्क्यूलर होता है, वो बहुत ही अच्छा आता है, एज़ यू कैन सी द रिजल्ट्स. और अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको ऐसा पक्का लगा होगा कि देखो यार तुम जो है सारे DSLR से भारी फ़ोटो ले रहे हो, फ़ोन से ऐसे नहीं आते हैं. ठीक है, सो अभी मैं जो है फ़ोन लेके ही ऐसे कुछ फ़ोटोज़ आपको खींच के दिखाऊंगी और देखते हैं कि क्या मज़ा है. ऑफ़ कोर्स DSLR की क्वालिटी अच्छी है और इसीलिए हम फोटोग्राफर्स यहाँ पे बैठे हैं. पर अगर आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए जो फ़ोटोज़ चाहिए वो आपके फ़ोन से भी आप ले सकते हो, तो वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे. सो अभी हमारे पास हमारा ये iPhone है जिसमें हम लोग ने कॉन्टूर लाइट पोर्ट्रेट मोड पर गए हैं. हम लोग पोर्ट्रेट मोड पर आप कोई भी कैमरा में जा सकते हो, कोई भी फ़ोन में, और जहाँ पर भी आपको कॉन्टूर लाइट या यू नो लो लाइट मिले, मतलब थोड़ा सा आपको लाइट कम करना है अपने फ़ोन में. जैसे मैंने यहाँ पे फोकस किया, थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, थोड़ा सा मैंने लाइट को कम किया. ठीक है, एंड थोड़ा सा इतना भी कम नहीं कि बहुत डार्क पिक्चर्स आ जाए, और बहुत इतना भी ब्राइट मत जाइएगा कि एकदम ओवर एक्सपोज हो जाए.
ऐसे रखना है फोटोज़ को, फेस सामने, हाथ को ऐसे रखिए, ठीक है। और आपको जो है एकदम, लोग ना यहाँ पे इतना पास आ जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट, ऐसा मत करो, इससे ना डिस्टॉर्शन आ जाएगा, थोड़ा सा पास दूर रखिएगा, फोकस करिए पहले, कम करिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, वेरी नाइस। जो पोजेस आप देते हो ना उस पर है, अगर आप इतना पास चले जाते हो जो यूजुअली काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट जाती है, तो ठीक है, पर इतना पास भी नहीं जाना है। इसमें क्या होता है, उनका नाक चेहरा सब बड़ा बड़ा दिखता है, ऊपर 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 क्रॉस, यस स्माइल। जहाँ पर भी जब भी मुझे ओवर एक्सपोज लगता है मैं उसको अंडर करती हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ना मैं ले लेती हूँ अभी, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करो। स्माइल, अभी देखिए पहले थोड़ा बहुत ही ओवर लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, इसको यहाँ से ऐसे अंडर एक्सपोज किया, थोड़ा सा चेहरा नीचे, ब्रॉड स्माइल, थोड़ा सा चेहरा नीचे, थोड़ा नीचे, स्माइल, ऐसा हाथ रखिए, ऐसे थोड़ा सा सेंटर, थोड़ा सा फेस सेंटर करिए, सो एज यू कैन सी कि हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फोटोज़ मिले हैं फ़ोन से, और जो भी पोजेस मैंने आपको बोले थे वो सारे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स कर सकते हो, और अगर आपको जो है इससे और वीडियोस चाहिए तो बस सिर्फ आपको एक कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, सी यू सून।